आज इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है प्रदेश का, आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वर्ष भर में जो बातें कही हैं, हमारा उसमें फोकस, वो चार एस पर फोकस हमेशा मैंने बताया, और चार एस में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन, अभी चार एस थे जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं लगातार। शिक्षा पर बराबर काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर बराबर काम हो रहा है, स्वावलंबन, लोगों को अपने रोजगार मिले, अपने पैरों पर खड़े हों, और सुरक्षा के नाते भी सब चीजें ठीक की जा रही हैं। उसी की एक कड़ी में आखिर स्वास्थ्य के नाते से महिलाओं का स्वास्थ्य और बालकों का स्वास्थ्य, छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, इसकी चिंता विशेष इसलिए भी बनती है कि अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी, उसका भी स्वास्थ्य तो आखिर कैसे ठीक होगा। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए जो भी ये समस्याएं हैं, विशेष तौर पर अनीमिया की समस्या कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस अनीमिया प्रभावित जो भी हमारी माताएं, बहनें, बालिकाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब की ओर मैं सबसे पहले तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उपायुक्त महोदय हैं, उनको इस बात के लिए जरूर आग्रह करूंगा कि जो तालिका है उस तालिका में आपका स्थान कहां है, आप रैंकिंग में पूरे प्रदेश में 22 जिलों में कहां खड़े हैं। अगर संयोग से आपका स्थान थोड़ा अच्छा है तो जितना ध्यान देना बताया जा रहा उतना तो ध्यान देंगे ही, लेकिन अगर तालिका में आपका स्थान बहुत नीचे है तो वहां के जितने भी उपायुक्त महोदय हैं इस योजना को अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ला करके और वहां कैसे महिलाओं में और बच्चों में ये अनीमिया की जो समस्या कैसे हल हो, इसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। विशेष तौर पर एक जिले की जानकारी तो मैं शेयर कर सकता हूं, वह नूह जिला। नूह में अनीमिया की समस्या बहुत ज्यादा है। ऐसे दूसरे जिले कौन कौन से हैं, मेरे पास अभी तालिका नहीं है, लेकिन जो भी है आपके पास हमेशा साथ रहती है वो तालिका, ऐसे सब जिलों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा।